चलो जी, वी आर अबाउट टू रीच मैक्लोडगंज नाउ। टाइम हो गया है 11:06। अच्छा, हमें यहाँ पे मिलेगी फॉग और बारिश, और टिपिकली ना इसी वजह से कैंटोनमेंट में कभी रास्ते जाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि खोल देते हैं इंस्टेंटली आर्मी वाले। सारे पहाड़ों में तो बी आर ओ ही चला रही है सड़कें, वाटर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ये भी नहीं पता था कि धर्मशाला कैंटोनमेंट है, अगर ये पता होता तो फिर तो मैं इधर बहुत बैठ जाता हूँ। कैंटोनमेंट सारे अच्छे होते हैं, क्लोटगंज कैंटोनमेंट है, पालमपुर कैंटोनमेंट है, योर पालमपुर तो एयरफोर्स बेस भी है ना। हाँ, तो काफ़ी की लोकेशन है। कहाँ चला रहा चाचा? देखो आगे भाई गाड़ी आ रही है, कैसे चला रहा है, कंफर्टेबल है नहीं है, ये भी तो देखना चाहिए। फर्स्ट टाइम अब रोड तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, हाँ बट हमें नहीं पता ना कहाँ पे क्या आएगा कैसे आएगा। अमेजिंग यार, अमेजिंग। हाँ जाना साफ हो जाए सब में मजा आएगा। हाँ। और ज्यादा थोड़ी है धर्मशाला से, मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर ही है। हाँ, 9। हाँ, आप पीछे देखा था ना, 9 करेक्ट। मतलब चढ़ाई की वजह से थोड़ा सा लगता है। हाँ। सिटीजन ही हो तुम, ट्रेंड हो गए। पांच साल में क्या ट्रेंड, कितना की फिट, मतलब कितना की होता है फौजी बनेगा। वैसे जैसे 17-18 साल के हो जाते थे। हां, वो जो मनी वाले वहां तो बिल्कुल फिट होते थे। हां करेक्ट, मेंटली फिट अप करते थे। हां, इतनी पोस्टिंग होती थी आप। हां जी, एक्सट्रीम वेदर्स में रहते हो, घर से दूर रहते हो, आप वही जाते हो मेंटली टफ। यहां पे क्या है, यू नो स्टैंड स्ट्रोक है। हां कैंटोनमेंट है तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तभी डेवलपमेंट हो गई यहाँ पे, इनको सड़क बनाने में आर्मी को दे दी तो खींच सकते हैं। राज पिक्चर में आ गए, राज मूवी में आ गए। पूरा वैसे लग रहा है ना, चर्च भी आएगी यहाँ। चर्च होते हैं कैंटोनमेंट में, आपको हमेशा चर्च मिलेगी, गुरुद्वारे मिलेंगे, गुरुद्वारा मिलेगा, मंदिर होगा। हाँ, ये सब वो सेक्युलर सबसे ज्यादा यही चलता है। हम जब थे मतलब आर्मी में तो जैसे गुरुद्वारे भी जाते थे, मस्जिद में जाना, और मतलब मस्जिद तो क्या जाना, पर मतलब क्वार्टर के सामने ही ना सुबह ही वो शुरू हो जाता था। शुरू यार, हम भी जा रहते थे ना, वहाँ क्रिश्चियंस बहुत थे, क्योंकि मम्मी नर्सिंग की लाइन में थी। अच्छा। तो नर्सिंग में सारे जो हैं वो साउथ इंडियन ज्यादा आते हैं। साउथ इंडियन ज्यादा आते हैं, हाँ केरला के। एग्जैक्टली, और उनमें क्रिश्चियंस बहुत होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको पैसा मिलता है इसलिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें देखो ज्यादा दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ की जन्नत है। हम आपको नहीं रोक रहे हैं।
नहीं इतने मेरे को भूख ही नहीं लगती यार ऐसी जगहों पे आके तुम कैसी बातें कर रही हो मुझे भूख की भूख मुझे तब तक लगनी शुरू होगी जब मैं एक्सरसाइज करूं अच्छे से मम्मी ने मेरे को दो चपाती दे दी मैंने से खा करके हो रही थी मेरे को यही था कि मिलना है भूख तो थी नहीं मुझे भूख थी नहीं और मुझे अभी भी नहीं लग रही है और मुझे जब इधर घूमेंगे ना चलेंगे उसके बाद आके भूख लगती है कि हां भाई अब चल लिए थक गए शाम को रात को बड़ा मजा हां जगह बन गई है पर देखो अभी वहां देखने से इजी है इधर देख के चल सकते हो बहुत क्लियर है कल ऐसे ही था बारिश में भी उसको ज्यादा भी आ रहा था पर इधर मैंने फिर लगा ही लिया था मैंने कहा ये भी अच्छा है यार इससे तो दूर का नजारा दिख रहा है कल मैंने गाड़ी चला के मेरे को कई चीजें समझ आई मैंने कहा इसमें ना लोग कुछ कुछ ऐसे कस्टमाइजेशन कराते रहते हैं तो मैंने कुछ वैसे भी कस्टमाइजेशन करा दी है ऐसे माहौल के लिए कि कैमरा वैमरा लग जाए जो आगे दूर तक देखे और वो इधर दिखता रहे तो चलाना आपके लिए और आसान है पंजाब में बहुत मिले मेरे को ऐसे जो अनुभवी लगे निकल जा भाई तू निकल जा कोई जल्दी नहीं हमें पाजी तुसी निकलो पाजी तुसी रुक के निकलो गाड़ी वाला अभी भाग रहा हूँ मुझे भगाने वालों को होता तुम जाओ भाई मैं तो आराम से जाऊंगा मुझे तो चलना एंजॉय करते जाना तो रोज का चलना मैं कभी कभार आता हूँ भाई अगर पीछे कोई खड़ा होके चलता रहे ना तो मजा भी नहीं आता हाँ। अभी देखो मजे तो ऐसे आते हैं मुझे ग्रेवी आर्ट हाँ, चर्च यहाँ ग्रेवी आर्ट भी जरूर मिलता है हमेशा ओए होए होए जन्नत आ गई यहाँ साफ हो गया ना ऐसे जिंदारी हाँ। छुट्टी लेंगे यार आज मस्त मारेंगे कल की छुट्टी तीन दिन की बढ़िया छुट्टी हो जाएगी दिल्ली की गाड़ी हाँ इधर दिल्ली वाले तो घूमते रहेंगे ये सब चर्च वर्च सब एक्सप्लोर करेंगे हाँ ब्लॉगिंग करूँगा रज के होगा क्या ना फ्राइडे तक काम ही नहीं बचेगा जैसे इन रोड पे ना ऐसे पैदल चले तो शिमला वाली फीलिंग आती है बिल्कुल 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 मॉल रोड वाली हिसाब से ये सोच के मेरे को लगता है छुटकी को बड़ा मजा आएगा यहां पे हां वो एंजॉय करेंगे उसको नई नई चीजें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है ना तो उसको बड़ा मजा आएगा उसको गोदी में बिठा के यहां बाहर देख सकती है वो
पीछे भी ठीक है बैठने के, पीछे बैठती है, पूरी जगह है, मैंने उसका ले रखा सब कुछ। ये सीट के ऊपर एक पूरी लेयर है, वो उनके लिए होती है डॉग्स के लिए। हाँ। उससे फटती नहीं है सीट। नहीं कई बार कई गोदी में ले लिया, थक गई गोदी में तो पीछे बिठा दी। वो खुद भी नहीं टिकेगी, वो थोड़ी देर देखने के बाद जैसे उसको रिलैक्स हो जाएगी तो वहाँ खुद जाके सो जाएगी, लेट जाएगी, मुंह नीचे करके बैठ जाती है। मैं कल वीडियो में देख रहा था, वो रात को 2:30 बजे तक वेट करती रही, कहीं नहीं गई बेचारी। उसको लगा कि आएंगे आएंगे आएंगे, मैंने डॉट को भी पूछा कि बाहर गई, कह रहा नहीं। मैं उसको छोड़ दो थोड़ी देर, कह रहे जाने वाली नहीं लग रही अभी। तो जब डॉट बात कर रहे थे तब उसके कान खड़े हो गए, मैं साथ अपने रूम के सीसीटीवी देख रहा था तो उसके कान खड़े थे कि किससे बात कर रहे हैं, गाड़ी आने वाली है, कुछ होने वाला है। अच्छा अच्छा। और फिर वो फाइनली 2-3 बजे कुछ निकली है बेचारी। इनको देखो, वो उस बच्चे के इतना कट लगा हुआ था। हाँ। वो तब भी मुझसे प्यार करा रही है, मतलब इंसान तो इतना रोला रप्पा ला देता है मेरे साथ, ये हो गया वो हो गया, हाय राम हाय रे। ये बेचारों को तो बोलना ही नहीं आता, उनको दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको हेल्प चाहिए नहीं चाहिए कुछ नहीं पता। और हमारे को क्या है, हम अगर हम पे बरकत है, हाँ, तो मतलब अगर मैं 1,00,000 रुपए भी महीने कमा रहा हूँ, 2-2.5 लाख तो छोड़ो 50 भी कमा रहा हूँ, तब भी इनकी बेसिक केयर आप दे सकते हो इनको। हाँ, दे सकते। बस नॉलेज चाहिए थोड़ी सी, जैसे उन्होंने मेरे को बता दिया ये दे दो आप उसको, आ गया मैं लौट के समझो। अभी यहाँ पे थोड़ा कुछ जाम, गलत गाड़ी लगा रहा हूँ ना, इससे जाम ऊपर से आना चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर बाहर के होंगे, पंजाब दिल्ली हरियाणा। यहाँ पे ऐसा ही होटल मिल जाए जैसा ये है, पार्किंग इसकी काफी खुली है, या ये पार्किंग ही है, ये पार्किंग है, ऑथराइज्ड पार्किंग। अरे आजा भाई, अभी तो तेरे से गाड़ी नहीं घूम रही थी, अब तो डीडी कर रहा है सिंगल रोड में। अब ये तो कह रहा है ऊपर ले लो, यहाँ ले लेंगे, कहाँ ले लेंगे, अब होटल देखते हैं। नीचे चलो नीचे, क्योंकि उधर आगे रास्ता नहीं है नीचे। हाँ नहीं, आगे वो धर्मकोट वगैरह आ जाएगा सारा। हाँ। तो पार्किंग में लगाएं गाड़ी, नहीं तो वहाँ लगा के होटल देखते हैं क्या होगी रास्ता, पर फिर मुड़ने के लिए प्रॉब्लम आएगी अगर होटल नहीं मिला तो। बारिश में कैसे चलना भाई, क्यों पड़ा पूछे किसी से की गाड़ी चली जाती है। हाँ किसी से एक बार आइडिया लेना, तभी मैं कह रहा हूँ पार्किंग में लगा लेते हैं, थोड़ा सा आके देखते हैं और फिर पता करते हैं कि क्या गाड़ी है। गाड़ियाँ तो जा रही है वैसे ना, पर ये कि अगर होटल नहीं मिला तो मुड़ेंगे नहीं, फंस जाएंगे तो। हाँ यहीं पे फंस रहे हैं ना, वहीं पे लगा देते हैं। वहाँ लगाते हैं, ये एरिया छोटा है थोड़ा, वहाँ उसमें लगा के हम थोड़ा घूम सकते हैं। हाँ, देख लेते हैं। और आसपास वहीं देख लेते हैं होटल, तो अब तो पता चली गया ना यही है ना मैक्लोडगंज, तो देख ही लेते हैं आसपास होटल जिसमें पार्किंग है। रास्ते में कोई सा भी ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ऊपर भी गाड़ियाँ लगी हैं देखो, वो भी पार्किंग है। वो रास्ता में कह रहा हूँ ऊपर जा रहा है रास्ता, इसमें दिखा रहा ना ये देखो, ये धर्मकोट है शायद ना। हाँ ये धर्मकोट हो सकता है, पर रास्ता तंग है ना वहाँ पे। धर्मकोट का अभी सारी मेरे को लग रहा है ये होटल वगैरह में छोड़ के इन्होंने जो बाहर से आती है ना गाड़ियाँ, कैब वगैरह करके आते हैं। हाँ ये वही वाला है, तो ये गाड़ियों में सोते हैं फिर ड्राइवर्स। हाँ ऊपर तो नहीं रह गए क्या चीज, पार्किंग नहीं नीचे पार्किंग करी, पीछे रह गई, नहीं पीछे रह गई। यहाँ क्या, ये तो कहीं और रास्ता जा रहा है, पीछे रह गई ना वो, पीछे थी। मैंने रोकी नहीं, वहाँ खाने पीने का भी है, मैंने कहा होटल ही देख लेते हैं, या वहाँ रोक के पूछ रहे आगे का रास्ता। वैसे करते हैं तो पार्किंग में ले चलते हैं, घुमाता हूँ यहाँ से गाड़ी, पार्किंग में लगा के वहाँ खाने पीने का भी है, थोड़ा खाते पीते हैं। हाँ, फिर वहाँ किसी से पूछते हैं। हाँ, कि रास्ते का क्या हिसाब किताब है, गाड़ी है, चली जाएगी। मैं तुम्हारी वजह से नहीं रुक रहा था कि तुम्हें अनकंफर्टेबल ना लग रहा हो कि कोई जान पहचान नहीं, नहीं, नहीं हो गया। हाँ। होगा भी तो ठीक, मैं इसलिए रुक नहीं रहा था, मैंने कहा मैं तुमसे पहले पूछ लेता हूँ फिर आगे जहाँ जगह जा रहा हूँ।
कच्चा रास्ता है ना, पार्किंग में लगाते हैं आराम से, उसके बाद थोड़ा वॉक करते हैं, बारिश थी स्लो है ना, निकल जाएंगे इसमें घूम के आके देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। एक दो होटल्स देख भी आएंगे ना, और वो जगह भी अच्छी है नीचे ना। हाँ, वो एरिया काफी अच्छा है, वो पैदल ही एक्सप्लोर करने वाला है। जितना मैंने ब्लॉग्स वगैरह में भी देखा वो सारे वहाँ लोग पैदल ही जाते हैं, ट्रैक भी है, ट्रेन वाला ट्रैक है, वाटरफॉल भी है। हाँ, वाटरफॉल भी है। देखो मैंने देख लिया ना एक बार रास्ता, कुछ स्पीड आ गई गाड़ी की। हाँ, वही तो है। मैं इसमें पहली बार मैं होता है कि देखना है, एंजॉय करना है। उसके बाद मुझे आप बता दो कि मेरे को आइडिया है बारिश कितनी है, क्या है, गाड़ी की ग्रिप कैसी है, अब मैं खींच के फटाफट लगा दूंगा गाड़ी जहाँ पे लगा दूंगा। फर्स्ट टाइम होता है, मुझे भी कल वही था ना कि एक तो बारिश ऊपर से, मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन से समझ गया था कि फर्स्ट टाइम तुम्हें टेंशन हो रही है कि एक तो रात हो गई, इतनी लेट हो गया, ऊपर से बारिश हद से ज्यादा हो रही थी, फिर मैंने प्रेशराइज किया। हाँ, तुम्हें ये भी था कि मैंने बोला इसलिए आए हैं, नहीं तो आराम से ही आ रहे थे। अरे यही थी पार्किंग, तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ भी पार्किंग थी, वो भी पार्किंग है, अभी पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग है। भाई यहाँ से लगा देते हैं, ये पेड़ पार्किंग। हाँ, पेड़ पार्किंग वो भी है, दोनों पेड़ है। वो जो आपने फर्स्ट वाली देखी ना, वो सवारियों को ढोने वाली गाड़ियां जो नीचे धर्मशाला वगैरह जाए। अच्छा, वो सवारी को ढोने वाली है, टैक्सी की पार्किंग। लोगों का नाम लेके पहुंच गए।